YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुप्ता जी, राजू राजपूत जी, आशु वर्मा जी, शुभम जाटव जी, राफी मंसूरी जी, रफक कुरैशी जी, श्रीमती जूही सिंह जी, श्रीमती रिभु श्रीवास्तव जी, हमारी ज्योति मैसी जी, महाराज सिंह साठिया जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और छोटे मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्ता, हमारे सेक्टर प्रभारी, सह सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और सभी आज इस सभा में आए हुए आदरणीय बुजुर्ग जन, माताएं बहने और हमारे सभी युवा साथी, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आज आप सब यहाँ पे आए हैं और आपने सभा को सफल बनाने का जो कार्य किया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जानते हैं 2024 का चुनाव होने जा रहा है और कहीं ना कहीं यह चुनाव देश की राजनीति में परिवर्तन लाने का चुनाव है, बदलाव लाने का चुनाव है। आज जो देश के हालात हैं, हम सभी जानते हैं कि सभी वर्ग, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारा किसान वर्ग हो, चाहे हमारी महिलाएं हो और चाहे हमारा जवान हो, कहीं ना कहीं सभी लोग आज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जहां युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है और नौकरियों का तो हाल हम सभी जान ही रहे हैं कि किस तरह पेपर लीक करा के बार बार उत्तर प्रदेश में नौकरियों को निरस्त कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं यह एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, क्योंकि आप सब अगर नौकरी पा जाएंगे तो कहीं ना कहीं आरक्षण को भी लागू करना पड़ेगा। तो यह सरकार जो संविधान के खिलाफ है और लगातार जो लोकतंत्र के खिलाफ काम करती रही है, हमने देखा है कि पूरे देश में किस तरह दबाव की राजनीति का प्रयोग हो रहा है, जहां बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को अपने जेल में डालने का काम किया है, वहीं प्रदेश में, जिले में और गांव-गांव तक आप कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं। आपने जिस तरह मेयर के चुनाव में पंजाब में धांधली करी, उसी तरह आपने मैनपुरी में भी हमारे मेयर के चुनाव के प्रत्याशी सुमन वर्मा जी को हराया। हमारे अरुण गुप्ता जी को हराया और दीक्षित जी को भी आपने हराया। और यही नहीं, आपने सम्मानजनक व्यवहार भी नहीं किया हमारे प्रत्याशियों के साथ। तो कहीं ना कहीं जहां आपने वोट की लूट करी, वहीं ना कहीं ना कहीं जहां आप सबने वोट की लूट करी और अपने लोगों को जिताने का जो काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या भी है, क्योंकि लोकतंत्र में हम सबको अधिकार है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनें। लेकिन आपने जो कार्य किया है और जो आप कार्य कर रहे हैं, जो दबाव की राजनीति का प्रयोग आप सभी समाज और सभी वर्गों पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह दबाव की राजनीति को खत्म करने का भी अवसर हम सबके हाथों में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी समाज, सभी वर्ग इस बार एक साथ आएंगे और ऐसी सरकार को हटाएंगे जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है। अब सवाल, आज हमें राशन के नाम पे क्या मिल रहा है? अगर हम देखेंगे तो आज खाली ये लोग राशन के नाम पे बाजरा दे रहे हैं। और अगर हम 10 साल पहले का आकलन करेंगे
तो हम सबको यह महसूस होगा कि आज से 10 साल पहले जहां चावल, आटा, मिट्टी का तेल और चीनी भी मिलती थी, आज हमें केवल बाजरा मिल रहा है। तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने आपके राशन में भी भ्रष्टाचार किया है और राशन में भी लूट मचाने का काम किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह चुनाव जहां मैनपुरी का हम सब जीत रहे हैं, लेकिन अब लड़ाई है कि हम कितना वोट बढ़ा ले जाएं, हम बूथ में अपना वोट कैसे पहुंचा ले जाएं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके सहयोग से, आपके साथ से मैनपुरी का भारी मतों से जीत ही रहे हैं। जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? जैसा हमारे पूर्व विधायक जीत ने कहा कि कन्नौज ज्यादा वोटों से जिताएंगे या मैनपुरी, कन्नौज या मैनपुरी, कन्नौज या मैनपुरी। तो मैं कहती हूँ कि अब इसको क्या कहते हैं, त्रिवाचा, त्रिवाचा हो गया कि नहीं हो गया। और बहुत पुरानी कहावत है कि प्राण जाए देश की, लेकिन देश की बहुत पुरानी कहावत है कि प्राण जाए लेकिन वचन। तो मुझे पूरा भरोसा है जो सहयोग, जो साथ और समर्थन आप सब ने समाजवादी पार्टी का करा है और मेरा भी करा है, मैं आपकी को धन्यवाद देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला चुनाव जो बदलाव का चुनाव है, जो कहीं ना कहीं बदलाव के साथ परिवर्तन का चुनाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि देश का भविष्य और युवाओं का भविष्य इसी चुनाव पे निर्भर करता है। जिस शासन को 10 साल हो गए हैं, शासन को कितने साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, 10 साल, और 7 साल उत्तर प्रदेश के हो गए हैं शासन को, तो 17 साल का शासन बहुत बड़ा होता है बदलाव लाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं यह सरकार सामर्थ्य नहीं दिखा पाई है बदलाव लाने के लिए, और हमारे युवा, हमारे किसान कहीं ना कहीं मायूस हैं, कहीं ना कहीं आक्रोशित भी है, क्योंकि जो सरकार ने कहा था कि आमदनी हमारे किसान भाइयों की दुगनी कर देंगे, बताइए महंगाई की वजह से आज वो आमदनी आधी रह गई है कि नहीं रह गई है? अब बोरी में अब कितना किलो कम मिल रहा है 10 साल के बाद, 10 किलो कम। और अगर आप 5 साल और बढ़ा देंगे तो बताइए 5 साल और 5 किलो और कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बोरी में 15 किलो कम तो नहीं करवा देंगे आप लोग? तो मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग अब बूथ की लड़ाई भी जीतेंगे। और मुझे इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगी, और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।